A very warm good morning everyone. How are you? Everybody fine? बेटा हमने जो lesson read किया था, अभी हमने क्या था? Work around me. Work around me. Lesson third था हमारा work around me. इसमें मैम ने आपको एक बार वापस repeat कर देते हैं जो पढ़ा चुके हैं मैम आपको कि occupation. What is the mean of occupation? Occupation means वो work जिसको करने से हमें मनी अर्न होती है, पैसा मिलता है. और पीपल एंड देयर ऑक्यूपेशन, फिर मैम ने ये बताया था लोग और उनका ऑक्यूपेशन, उनका काम क्या होता है. सम पीपल वर्क टू मेक थिंग्स फॉर अस. नेक्स्ट मैम ने बताया था आपको कुछ लोग ऐसे होते हैं जो हमारे लिए चीजें बनाते हैं. जैसे कौन बनाता है चीजें? इंजीनियर बिल्डिंग बनाते हैं, बेकर्स केक वगैरह बनाते हैं, गोल्ड स्मिथ ज्वेलरीज वगैरह बनाते हैं, पॉटर पॉट बनाते हैं, कारपेंटर बैड वगैरह वुड की चीजें बनाते हैं. तो ये हम पहले ऑलरेडी रीड कर चुके हैं. सेकंड है सम पीपल सेल सम थिंग्स. कुछ लोग ऐसे होते हैं जो कुछ बनाते नहीं है लेकिन चीजों को सेल करते हैं, खरीद के लाते हैं और फिर वो हमें सेल करते हैं और उससे मनी अर्न करते हैं. वो कौन होते हैं? सब्जी वाला ग्रीन ग्रोसर आता है, वो है ग्रोसरी वाला है. और बहुत सारे मेंबर ऐसे स्टेशनरी वाला है, फ्लोरिस्ट है. ये सब क्या करते हैं? सामान लाते हैं, फूल बनाते तो नहीं है ना, खरीद के लाते हैं और सेल कर देते हैं. चीनी दाल चावल ये हम बनाते तो नहीं है ना, इनको परचेज करके लाते हैं और सेल कर देते हैं. तो ये टॉपिक हमारा क्लियर हो चुका है, मेरे ख्याल से आप सबको क्लियर हो गया होगा. अब हम आगे स्टडी करते हैं. सम पीपल रिपेयर थिंग्स. कॉबलर्स रिपेयर शूज एंड सैंडल्स. कॉबलर होते हैं वो शूज और सैंडल्स को ठीक करते हैं. जब हमारे शूज या सैंडल टूट जाते हैं तो हम क्या करते हैं? कॉबलर के पास जाते हैं, मोची के पास जाते हैं. डॉक्टर के पास तो नहीं जाते ना? नहीं जाते ना. यस, कॉबलर के पास ही जाना है. मैकेनिक्स रिपेयर व्हीकल्स. मैकेनिक्स क्या करते हैं? व्हीकल को रिपेयर करते हैं. हमारा स्कूटर बाइक कार ये कुछ खराब हो जाते हैं तो हम कहाँ जाते हैं? मैकेनिक के पास कि भैया जरा देखना इसमें क्या प्रॉब्लम आ रही है, हमारी ये साइकिल पंचर हो गई, हमारा स्कूटर पंचर हो गया, ये ब्रेक्स ढंग से नहीं लग रहा. कहाँ जाते हैं? मैकेनिक के पास, वो ठीक कर देता है उसको. प्लम्बर्स रिपेयर टैप्स एंड पाइप्स. और प्लम्बर्स, ये प्लम्बर कौन होते हैं? प्लम्बर कौन होते हैं? प्लम्बर प्लम्बर होते हैं नल सही करने वाले. प्लम्बर कौन होते हैं? नल सही करने वाले. जब हमारा पानी टपक रहा होता है या कहीं से पानी लीक हो रहा होता है या हमें नल की फिटिंग करवानी होती है कहीं, तो वो कौन करता है? प्लम्बर्स. कौन करते हैं? प्लम्बर्स. कौन? प्लम्बर्स. रिपीट, PLUM. प्लम PLUM. प्लम्बर्स BERS. बर्स प्लम्बर्स. क्लियर. नेक्स्ट इलेक्ट्रिशियन रिपेयर टेलीविजन सेट. अब फिक्स इलेक्ट्रिशियन केबल. अब इलेक्ट्रिशियन क्या करता है? प्लम्बर नहीं नल सही करके जाता है लेकिन हमारे वायर वगैरह टूट जाते हैं इलेक्ट्रिसिटी के और लाइट चले जाती है या टेलीविजन में कोई प्रॉब्लम आ जाती है, तो क्या आप प्लम्बर से सही करवाते हो? नहीं ना. वो हम किससे सही करवाते हैं? इलेक्ट्रिशियन से. किससे? इलेक्ट्रिक इलेक्ट्रिशियन. इलेक्ट्रिक इलेक्ट्रिशियन. इलेक्ट्रिक माने बिजली. बिजली किससे सही करवाते हैं? इलेक्ट्रिशियन से. ELEC. मेरे साथ रिपीट करेंगे, ELEC. electricians. ये नंबर हुए जो हमारी चीजों को रिपेयर करते हैं. जो चीजें खराब हो जाती है, ये तो नहीं जो चीज खराब हुई लो फेंको, ये खराब हुआ फेंको, ये खराब हुआ फेंको, ऐसा तो नहीं होता ना. हमें उन्हें सही भी करवाना होता है तो ये रिपेयर करते हैं चीजों को. नेक्स्ट है एंटरटेनमेंट. अब ये एंटरटेनमेंट कौन करता है? ये तो सबको पता है, कपिल शर्मा का शो. मम्मा मेरे को कपिल शर्मा का शो देखना है और डांस वो आएगा, डांस प्लस आएगा, मुझे डांस प्लस देखना है. तो क्या होता है? क्यों देखते हैं? क्योंकि हमें मजा आता है. तारक मेहता को उल्टा चश्मा देखना है, छोटा भीम देखना है. क्यों? क्योंकि ये सब क्या कर रहे हैं? हमारा एंटरटेनमेंट, मनोरंजन. कॉमेडियन मेक्स अस लाफ विद देयर फनी एक्ट्स. कॉमेडियंस क्या करते हैं? हमें हंसाते हैं.
वो हमें अलग अलग तरह की बातें करके मस्ती करके हमें हंसाते हैं। राइटर्स राइट बुक्स हैविंग स्टोरीज आर्टिकल एसेट्रा। राइटर क्या करते हैं, स्टोरीज लिखते हैं, आर्टिकल्स लिखते हैं, बहुत अच्छी अच्छी कहानियां लिखते हैं ना राइटर्स। डांसर्स डांस ऑन द स्टेज। डांसर्स डांस करते हैं स्टेज पे। अब आप कहोगे डांसर्स हम भी तो डांस करते हैं स्टेज पे जाके, बट ये कोई बिजनेस है, इससे ये कोई ऑक्यूपेशन है? है बेटा, ये ऑक्यूपेशन है। कैसे? आपने एक सॉन्ग सिंग किया या आपने एक डांस किया या आप अपनी बातों से किसी को हंसा रहे हो, तो वो आपका ऑक्यूपेशन नहीं है, वो आपकी हॉबी है, वो आपको अच्छा लगता है इसलिए आप वो ऐसा कर रहे हो। लेकिन जो ये लोग कर रहे हैं, ये काम इसलिए कर रहे हैं, इसको करने से इनकी मनी अर्न होती है। अब डांसर है, डांसर डांस कर रहा है तो क्या होती है, सीट बुक्स हो जाती है ना कि ऐसे ऐसे उसका डांस है यहाँ पर, जिसको भी देखना है, ये सिंगर आ रहा है यहाँ पर, जिसको भी देखना है टिकट बुक करवा लीजिए। तो हम टिकट बुक करवाते हैं, और जब टिकट बुक करवाते हैं तो क्या फिल्में हो जाती है? नो, पैसा देना पड़ता है। वो पैसा किसके पास जाता है? उन लोगों के पास। तो वो अर्न कर रहे हैं मनी, कि उनको ऑक्यूपेशन है। सिंगर्स सिंग सॉन्ग्स फॉर अस, और सिंगर्स हमारे लिए गाना गाते हैं, मीठा मीठा मेलोडियस बहुत प्यारा सा गाना गाते हैं। एक्टर्स एंटरटेनमेंट एंटरटेन अस बाय ब्रिंगिंग डिफरेंट चैप्टर्स टू लाइफ। और एक्टर्स क्या करते हैं, अलग अलग चैप्टर्स में हमारे सामने आते हैं। जैसे कभी कोई विलियन बन के आता है, अब अमरीश पुरी का आपने मेनली देखा विलियन बन के आता है, लेकिन कभी कभी बहुत अच्छा भी रोल होता है उनका, होता है नहीं होता, तो कभी वो विलियन बनकर आते हैं, कभी हीरो बनकर आते हैं, ऐसे अलग अलग रोल लेकर के हमारे सामने आते हैं और हमारा एंटरटेनमेंट करते हैं। सम पीपल प्रोवाइड यूजफुल सर्विस। कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो हमें जरूरी सर्विस देते हैं। क्या देते हैं? जरूरी सर्विस। अब ये जरूरी सर्विस क्या है, जरूरी सर्विस क्या है? डॉक्टर, टीचर, पोस्टमैन। देखिए, डॉक्टर्स ट्रीट सिक पीपल। डॉक्टर क्या करते हैं, सिक, पहले हम ये समझेंगे, सिक, SICK, सिक, सिक मीन्स बीमार। TEOPLE पीपल मीन्स लोग। TREAT ट्रीट, ट्रीट मने इलाज करना। डॉक्टर बीमार लोगों का इलाज करते हैं। नर्सेस टेक केयर ऑफ द पेशेंट। नर्सेस क्या करती हैं, पेशेंट का केयर करती हैं, जो मरीज होता है उसकी केयर करती हैं। अब आप कहेंगे, अच्छा मैम, मेरी मम्मा तो जब मैं बीमार हो जाता हूँ तो मेरी मम्मा तो मेरी हेल्प करती हैं और मेरी केयर करती हैं, मुझे टाइम पे खाना खिलाती हैं, मुझे टाइम पे नहलाती हैं, तो क्या मेरी मम्मा नर्स है? नो बेटा, ऐसा नहीं होता। आपकी मम्मा आपकी टेक केयर कर रही हैं क्योंकि वो आपसे प्यार करती हैं, ठीक है, लेकिन वो जो नर्स आपकी टेक केयर कर रही हैं, वो उनका वर्क है। वो क्या है, उनका वर्क है, और उस वर्क को करने से वो मनी अर्न कर रही है, वो उनका ऑक्यूपेशन है। क्लियर? पुलिसमैन टेक केयर ऑफ आवर सिक्योरिटी। पुलिसमैन हमारी सिक्योरिटी रखते हैं, हमारा ध्यान रखते हैं। पोस्टमैन ब्रिंग्स लेटर और पार्सल्स फॉर अस। पोस्टमैन क्या करते हैं, हमारी पार्सल्स लेके आते हैं, है ना, और हमारे लेटर्स लेकर आते हैं। टीचर्स टीचेस स्टूडेंट इन द स्कूल एंड पायलट फ्लाइट एरोप्लेन। टीचर क्या करती हैं, स्कूल में पढ़ाती हैं, किसको, हमें, आपको, बच्चों को। टीचर्स क्या करती हैं, आपको पढ़ाती हैं, बच्चों को, स्टूडेंट्स को पढ़ाती हैं, लेकिन पढ़ाने के बदले मनी लेती हैं स्कूल से, फ्री में नहीं पढ़ाती हैं वो, है ना, तो वो उनका ऑक्यूपेशन है। और पायलट क्या करता है, एरोप्लेन को उड़ाता है। पायलट क्या करता है, एरोप्लेन को उड़ाता है, ठीक है, क्लियर। देयर आर मेनी अदर ऑक्यूपेशन बिसाइड दीज। इसके अलावा भी और भी बहुत सारे ऑक्यूपेशन होते हैं। मैम, इसके अलावा भी ऑक्यूपेशन, और क्या ऑक्यूपेशन होते हैं? होते हैं बेटा, स्वीपर आता है आपके घर के पास, तो वो स्वीपर क्या करता है, पूरी रोड को साफ करता है। वो आपको पता नहीं, लेकिन वो जो रोड साफ कर रहा है वो क्यों कर रहा है, उसको गवर्नमेंट उसका पैसा देती है, ठीक है, ये उसका ऑक्यूपेशन है। देर आर मैनी पीपल इन द कम्युनिटी हु डू स्पेशल जॉब। ऑल दीज पीपल वर्क टूगेदर टू मेक आर लाइफ कम्फर्टेबल। सब लोगों का, देखो बेटे, चैन होती है, ये भी एक चैन होती है,
कि ये इससे ये इससे ये इससे जुड़ा हुआ होता है. Thus our community become a better place for everyone. और इसी तरीके से हमारी लाइफ क्या होती है, सिक्योर हो जाती है, अच्छे से हम लाइफ जी पाते हैं. अगर ये सर्विसेज नहीं होंगी हमारे पास तो हमारी लाइफ में कितनी प्रॉब्लम्स आएंगी ये आप सोच सकते हैं. अभी हम इतना ही लेसन रीड करेंगे बेटा, क्योंकि ये लेसन हमारा काफ़ी हो चुका है. एंड इसके बाद हम रीड करेंगे फैमिली एज अ यूनिट. ये हमारा अलग हो जाएगा. इसके बाद हम रीड करेंगे फैमिली एज अ यूनिट. अब मैम आपको बताएंगे कि आपको वर्क क्या करना है. वर्क तो मैम देंगी, छोड़ेंगी नहीं. यस स्टार्ट. देखते हैं हमें वर्क क्या करना है. तो देखिए बेटा, मैं ये आपको हार्ड वर्क्स करवा चुकी हूँ ऑलरेडी, और जिसने नहीं किया हो वो प्लीज़ कर लीजिएगा. 9 जुलाई को मैम ने करवा दिया था, डेट मेंशन की थी, देन क्लास वर्क मेंशन किया था, लेसन थर्ड, वर्क अराउंड मी. हमेशा लेसन जरूर मेंशन करते हैं. इससे आपको प्रॉब्लम क्या नहीं होगी कि आपको पता चलेगा ये लेसन कौन सा है और लेसन का नेम क्या है, और ये जो वर्क मैंने किया है वो कौन से लेसन का वर्क किया है. हार्ड वर्क्स, ऑक्यूपेशन, शू मेकर, गोल्ड स्मिथ. ऑक्यूपेशन मीन्स व्यापार, काम करना. शू मेकर मीन्स जूते सही करने वाला. गोल्ड स्मिथ जो सोने के चीज़ें बनाता है. ब्रिजेस, पुल. ग्रॉसर जो पंसारी होते हैं. स्पाइस मतलब मिर्च मसाले. फ्लोरिस्ट जो फूल बेचते हैं. अब है ये हमारे इसी लेसन से, मैम ने लेसन के बीच में से कुछ आपको क्वेश्चंस बनाए हैं आपके लिए, ताकि आपको अच्छे से एक एक चीज़ें समझ में आ जाएं. और ये कंपलसरी है करना. एवरीबडी डू इट, क्लियर? कोई भी ऐसा नहीं होगा जो ये वर्क ना करे, ठीक है? तो सबसे पहले हम राइट डाउन करेंगे वन वर्ड. एनी वर्क डन टू अर्न मनी इज कॉल्ड एन ऑक्यूपेशन. कोई भी काम जो पैसा कमाने के लिए किया जाता है उसे हम क्या कहते हैं, ऑक्यूपेशन. शू मेकर मेक फॉर अस क्या बनाता है, शूज. इंजीनियर डिजाइन करते हैं. ब्रिजेस, रोड्स, बिल्डिंग्स. टेलर्स स्टिच क्लोथ्स. गोल्ड स्मिथ्स क्या बनाते हैं, मैम ऑलरेडी सब समझा चुके हैं आपको. ये ऑर्नामेंट्स ऑफ गोल्ड. ग्रॉसर्स सेल. ग्रॉसर क्या बेचते हैं, पल्सिस, फूड ग्रेन्स, स्पाइसेस. ग्रीन ग्रॉसर सेल. ग्रीन ग्रॉसर कौन होते हैं, सब्जी बेचने वाले. फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स. फ्लोरिस्ट सेल. फ्लोरिस्ट होते हैं जो फूल बेचते हैं, वो क्या बेचते हैं, फ्लावर्स एंड बुकेट्स. केमिस्ट सेल. जो केमिस्ट होते हैं वो क्या सेल करते हैं, मेडिसिंस. स्टेशनर सेल, बुक्स, नोटबुक्स, पेंसिल, इरेजर्स एक्सेट्रा. कॉमेडियंस मेक अस. कॉमेडियन क्या करते हैं, हमारे लिए क्या बनाते हैं, लव विद योर फनी एक्ट्स. हमें हंसाते हैं अच्छे अच्छे एक्ट्स करके, मजा किया. राइटर्स राइट. राइटर क्या लिखता है, बुक्स हैविंग स्टोरीज, आर्टिकल्स एक्सेट्रा. प्लम्बर्स रिपेयर. प्लम्बर क्या सही करता है, जो नल सही करते हैं उन्हें बोलते हैं प्लम्बर. तो टैप्स एंड पाइप्स. टैप्स मीन्स नल. डॉक्टर ट्रीट. डॉक्टर किसका ट्रीटमेंट करते हैं, सिक पीपल का. हर किसी का तो नहीं करते कि चल आजा तेरा भी इलाज कर देता हूँ, आजा तेरा भी इलाज कर देता हूँ, ऐसा तो नहीं होता ना. जो बीमार होता है डॉक्टर उसी का ट्रीटमेंट करते हैं. पायलट फ्लाई एरोप्लेन. यस. अब हमारा नेक्स्ट है, ये वाला वर्क आपको करना है, रिलेशनशिप. ये देखिए बेटा, नहीं सॉरी, बस इट्स इनफ, इतना ही वर्क हम करेंगे आज. हम इतना ही वर्क करेंगे. एंड एक आपको ये वाला वर्क करना है. इसमें देखिए, ये सी पेज नंबर 27 क्वेश्चन नंबर सी. नेम एनी 4 पीपल यू नो एंड देयर ऑक्यूपेशन. ऐसे 4 जनों के नाम बताइए जिन्हें आप जानते हैं और वो क्या काम करते हैं. ऐसे आप लिख सकते हैं, आप अपने पापा का लिख सकते हैं, चाचू, दादाजी, मामा,
या अपने अड़ोस पड़ोस में कोई रहते हैं या कोई अंकल हैं आपके, पापा के फ्रेंड्स हैं, किसी का भी लिख सकते हैं कि उनका नेम क्या है और उनका ऑक्यूपेशन क्या है। थैंक यू बेटा।